हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनलक्ष्मी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। और इस अकाउंट का नाम है धनम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पता होगा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, क्योंकि अक्सर बैंक हमें इस तरह के अकाउंट देते रहते हैं। मतलब ये अकाउंट अक्सर बैंक जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन उनके जो फीचर्स और फैसिलिटी होती है वो बैंक पर डिपेंड करती है। अलग अलग बैंक जो अलग अलग इसके फीचर्स और अलग अलग फैसिलिटी बनाए हुए होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धनलक्ष्मी बैंक के धनम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, और जानेंगे इस अकाउंट के बारे में कुछ खास बातें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स की। तो यहाँ पे देखो, फीचर्स जो होते हैं, डेबिट कार्ड फैसिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। और जो कैश विड्रॉल है, किसी भी एटीएम, किसी भी बैंक के आप एटीएम से कैश विड्रॉल करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और बिल्कुल जो है फ्री बैंकिंग, कहीं से भी बैंकिंग करें बिल्कुल फ्री, अनलिमिटेड नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। यानी अगर आप जो है नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोले तो IMPS, RTGS, UPI जितने भी हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे जितने भी करें। तो ये एक जो है इसकी ख़ास बात है, क्योंकि मुझे दूसरे बैंक में भी नहीं मिली है। और यहाँ पे 5 कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आपको दी जाती है महीने में। यानी कि आप 5 बार जो कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे डिपॉजिट करिए कैश, चाहे विदड्रॉल करिए। इस तरह के ट्रांजेक्शन जो आपको मिलते हैं वो महीने में सिर्फ 5 बार फ्री मिलते हैं, उसके बाद पैसे लगेंगे, मतलब चार्ज लगेगा। यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस ही कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ है मतलब खास नहीं है, जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के लिए होती है बिल्कुल सेम वही है। कोई भी बंदा इसको ओपन कर सकता है, चाहे सिंगल ओपन करे चाहे जॉइंटली ओपन करे। लेकिन ये जो अकाउंट NRI लोगों के लिए नहीं है। अप्लाई कैसे करें इस अकाउंट को, यहाँ पर देखिए अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई का फिर से एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर हमें क्लिक करना होगा। और हमें यहाँ पर एक फॉर्म मिलता है अप्लाई का, ठीक है। तो इस पर आपको इसको क्या करना होगा, आपको फिलअप करना होगा फॉर्म को और सबमिट करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर, NRI। तो अगर आप न्यू कस्टमर है तो बिल्कुल जो सी पी टिक मार्क लगाइए, अगर मौजूदा ग्राहक है तो नहीं। एग्जिस्टिंग कस्टमर पर बाहर रहते देश के तो NRI, लेकिन NRI के लोगों के लिए अकाउंट नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ भी अप्लाई की जा सकती है यहाँ से, इसलिए ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें नेम जो है अपना इंटर करना होगा, उसके बाद ईमेल जो मैंडेटरी नहीं ऑप्शनल है, चाहे तो आप इंटर करें चाहे ना करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट मेल सिटी कोड सबसे पहले आपको डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर जो भी आपके पास, मतलब लैंडलाइन नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, लैंडलाइन भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट हमें सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करना, किस सिटी, मतलब सिटी के किस ब्रांच में आपको जो अकाउंट ओपन करना, तो प्रेफर्ड ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। और इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स, अगर आप जो है मतलब सेविंग्स अकाउंट के अलावा दूसरे अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, या अगर जो भी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको जो टिक मार्क लगा सकते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट तो हो गया, ये सेविंग्स अकाउंट के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट गोल्ड, कॉइन, करंट अकाउंट, इंश्योरेंस, सेफ डिपॉजिट, लॉकर, टर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको करना जो टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ऊपर एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप लोगों को मतलब आपको बताया जाएगा कि आगे आपको करना क्या है। तो बस मेरे ख्याल से आपको सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।